गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8 को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने लिख दिया है, क्लास 8 सब्जेक्ट जो है वो आपका इंग्लिश ग्रामर है। लेसन 3 अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, आर्टिकल चल रहा है। और आज मैं बताऊंगी आप लोग को रूल नंबर 16 से 15 तक मैंने बता दिया था। तो रूल नंबर 16 है, नेम ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी, जो धार्मिक समुदाय का नाम होता है उसके पहले जो है हम लोग द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, सिक्स दिया हुआ है तो द सिख लगाएंगे, द सिक्स लगाएंगे, इसका मतलब हो गया पूरा सिख समुदाय, पूरे सिख लोग। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, द हिंदूज लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया पूरे हिंदू लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, द मुस्लिम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया पूरा मुस्लिम्स लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, द क्रिश्चियन लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि पूरे क्रिश्चियन लोग। यानी जो भी आपका रिलीजियस कम्युनिटी होता है, धार्मिक समुदाय होता है, उसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 17 देखेंगे, नेम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जो भी राजनीतिक दल का नाम होगा उसके पहले आप द का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी दिया हुआ है तो उसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एक आपको पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, इसलिए द कम्युनिस्ट पार्टी लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, जनता पार्टी, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे, तो द हो जाएगा जनता पार्टी। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, कांग्रेस पार्टी दिया हुआ है तो ये भी एक राजनीतिक पार्टी है, तो हम लोग इसके पहले भी द का यूज़ करेंगे, तो द कांग्रेस पार्टी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, लेबर पार्टी दिया हुआ है, ये भी एक राजनीतिक पार्टी है यानी पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे, तो द लेबर पार्टी होगा। अब रूल नंबर हम लोग देखेंगे 18, नेम्स ऑफ द फिजिकल पोजिशन, जो भी फिजिकल पोजिशन का जो भी नाम होता है उसके पहले हम लोग, जो भी भौतिक स्थिति का नाम होता है उसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, टॉप यहाँ लिखा हुआ है तो टॉप का मतलब होता है ऊपर, तो ये आपका हो गया फिजिकल पोजिशन है, इसलिए इसके पहले द टॉप, द का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग द टॉप लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में बैक लिखा हुआ है, बैक का मतलब होता है पीछे, तो ये भी एक फिजिकल पोजीशन है, इसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे, तो द बैक लिखा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, बॉटम दिया हुआ है, बॉटम का हिंदी होता है तल, तो ये भी एक फिजिकल पोजीशन है, इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे, तो द बॉटम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, सेंटर दिया हुआ है, सेंटर का हिंदी होता है केंद्र, तो इसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।